बहैसियत माँ बाप हम अक्सर औकात इस बात को भूल जाते हैं कि हम जो कुछ कर रहे होते हैं हमारी औलाद हमारे उन अमाल को देख रही होती है, और जाने और अनजाने में हम अपने उन अमाल को अपने बच्चों की ज़िंदगी में मुंतकिल कर देते हैं। बहैसियत मसीही ईमानदार इस बात पर ध्यान दें कि आपके आज के अमाल आपकी आइंदा आने वाली नस्लों में मुंतकिल होंगे। तो इस बात को सोचिए कि आप अपनी आने वाली आइंदा नस्ल को क्या दे रहे हैं। पैदाइश 35 बाब उसकी 4 आयत। तब उन्होंने सब बेगाना देवताओं को जो उनके पास थे और मुंदरों को जो उनके कानों में थे याकूब को दे दिया, और याकूब ने उनको उस बलूत के दरख्त के नीचे जो सिकम के नज़दीक था दबा दिया। कितनी मुबारक बात है अगर कोई मर्दे खुदा अपने ईमान पर कायम रहकर देखे कि उसके घराने के दिगर अफराद उसकी पैरवी करते हैं। याकूब के बात करने के बाद उन्होंने फौरन अपने देवताओं और मुंदरों को दूर कर दिया। अगर आप गलत राहों पर चलते रहे और अब मुसम्मम इरादे से उनसे फिर गए हैं तो आप देखेंगे कि और लोग भी आपके नमूने पर चलने लगेंगे। इससे आपका हौसला बढ़ेगा। शायद वही जिसके बारे में आपको सबसे कम उम्मीद थी आपका साथ देने को तैयार हो जाए। यहाँ यही कुछ हुआ। सब ने अपने देवताओं को याकूब के हवाले कर दिया ताकि उन्हें दफनाया जाए। काश वो दिन जल्द आए जब तोहम परस्ती की तमाम अलामतें अंजील के ज़बरदस्त बलूत के दरख्त के नीचे दबा दी जाएं। इसके बाद लिखा है कि वो कूच कर गए और चारों तरफ के शहरों पर खुदा का खौफ छा गया। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितनी परेशानी दूर हो जाती है जब आप पक्का फैसला कर लेते हैं कि खुदावंद ही की पैरवी करेंगे। जो आदमी खुदा की राहों पर चलता है उसकी हिफाजत करने का खुदा ने वादा कर रखा है, लेकिन हम उस शख्स का अंजाम नहीं जानते जो खुदावंद के खिलाफ ज़िंदगी गुजारता है। खुदावंद गयूर खुदा है। अगर आप उसके पाकीज़ा खौफ में नहीं चलते तो आपको उसके गज़ब का सामना करना पड़ेगा। वो बैतल आए याकूब की खुशी के इंतहा ना होगी जब उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी जिसे उसने बहुत साल पहले सरहाने के तौर पर इस्तेमाल किया था। बेशक बैतल में याकूब ने अपने घराने के साथ नहायत अच्छा वक्त गुजारा होगा। शुक्रगुजारी ने उसके गम को कम कर दिया और उसकी तौबा में खुशी मिला दी। वो गुज़श्ता ज़माने को याद करता, हाल पर खुश होता और मुस्तकबिल के बारे में पुर उम्मीद था। आमीन। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने मसीह में हमें चुन लिया। आपने ये हमें हक और शर्फ बख्शा बख्शा कि हम आपके बेटे और बेटियां कहला सकें। आपने अपने प्यारे बेटे को इस दुनिया में भेजा जिसने अपनी जान देकर हमें गुनाहों से आज़ाद किया। आज के दिन में हम अपनी ज़िंदगी को अपनी सांसों को आपके सपुर्द करते हैं और दुआ और मिन्नत करते हैं कि खुदावंद हमारी मदद और रहनुमाई कीजिए कि जिस तरह आपका बेटा पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, हम भी इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल बन सकें, ताकि लोग हमारी ज़िंदगियों से ये जान सकें कि हम मसीह हैं। हमें दूसरे लोगों के लिए नमूना बनना सिखाइए ताकि हम आपकी पाकीज़गी के खौफ में चलते हुए उस गज़ब से बच सकें, और जब हम आपके साथ चलें तो याकूब की तरह हम भी खुश हो सकें। हमारी नज़र भी उस पत्थर पर टिकी रहे, उस चट्टान पर टिकी रहे जो अजली और अबदी है। खुदावंद हम अपने गमों में भी आपके शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी तौबा का नतीजा खुशी है, और वो खुशी जो दुनिया हमसे नहीं छीन सकती। खुदावंद हम अपने हाल के बारे में, अपने माजी के बारे में और मुस्तकबिल के बारे में शुक्रगुजार हैं और पुरउम्मीद हैं, क्योंकि जो ताज आपने हमारे लिए तैयार कर रखा है जब हम आपके साथ चलते हैं तो हम उसके हकदार बनते हैं। आज के दिन में हमारी मदद और रहनुमाई कीजिए और हमारे साथ रहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।